नमस्कार, आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट है। सहरसा भागलपुर के बीच चलाई गई नई स्पेशल ट्रेन। यह नई स्पेशल ट्रेन का ट्रेन संख्या होगा 5361 6 और 5361 5। यह ट्रेन सहरसा गया के बीच चलेगी और इसका विस्तार कर नई कोच के साथ इस ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। गया जमालपुर के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन 53,616 और 53,615 का सहरसा तक विस्तार किया जाना है और इसकी तैयारी रेलवे बोर्ड ने कर दी हुई है। इसके अलावा सहरसा नई दिल्ली के बीच रोज ट्रेन चलाने के लिए प्रस्तावित रूट पर समय सारणी निर्धारित कर देने का ICR द्वारा यह सिस्टम लगाया गया है और सहरसा से भागलपुर के लिए नई ट्रेन और गया जमालपुर पैसेंजर ट्रेन का सहरसा तक विस्तार के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव में CPTM ECR इस संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं सहरसा गया ट्रेन का क्या होगा समय सारणी। सहरसा से सुबह 5:10 पर खुलेगी यह ट्रेन और गया दोपहर 2:20 पर पहुंचेगी। मानसी 6:20 पर आएगी और खगड़िया 6:54 पर। वहीं मुंगेर 7:45 पर और जमालपुर 8 बजे पहुंच जाएगी। किउल में इसका समय होगा 9:45 और मानपुर होते हुए 2:03 पर गया शाम 3 बजे पहुंच जाएगी और वहां गया से खुलने के बाद रात 1:15 सहरसा पहुंचेगी। किउल रात 8 बजे और जमालपुर रात 9:30 होते हुए खगड़िया रात 11 बजे और मानसी 11:10 पर पहुंचेगी। आंध्र प्रदेश के लिए हो जाएगा एक सीधा संपर्क। भागलपुर के लिए ट्रेन चलने के बाद कोसी क्षेत्र का आंध्र प्रदेश से सीधा संपर्क हो जाएगा। बाबा नगरी देवघर जाने के लिए जल भरने को सुल्तानगंज पहुंचने में सहूलियत हो जाएगी और रेल के रास्ते सिल्क का कारोबार सिल्क सिटी यानी भागलपुर से कोसीवासी यात्रा कर पाएंगे। गया पहुंचना हो जाएगा आसान। साथ ही गया के लिए ट्रेन चलने के बाद पिंडदान देने के लिए तर्पण करने का गया पहुंचना आसान हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट। इसी तरह के और भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए इंडियन रेलवे के ऐप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें।